लैया के मकाम पर दरिया सिंध में तोखियानी, सैलाब ने नशेबी इलाकों में तबाही मचा दी। बस्ती गदारा, बस्ती सराई, बस्ती चांडिया, बस्ती गाडरा में समेत मुतादिद रहायशी बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, सड़कें और मकान शदीद मुतासिर, बस्तियों का जखड़ स्प्रे से जमीनी राबता मुनक़ता, मकीम सरापा एहतजाज, रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। मियांवाली शमसीवाला में बारिशी पानी के बायस दरिया में पानी में इजाफा, दरिया की दूसरी जानब दो चरवाहे और सैकड़ों से जायद बेड़ों समेत रेवर फंस चुका है। बेड़ों और चरवाहों के लिए वापसी का रास्ता बंद, रेस्क्यूअर्स कश्तियां लेकर मौका पर पहुंच गए, दो चरवाहों समेत 325 भेड़ों को खुश्की पर मुंतकल कर दिया। मुल्तान में माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद साबित, कार्रवाई के सिर्फ दो रोज बाद फैक्ट्री में दोबारा काम शुरू, अड्डे मोहेवाला में दोबारा जानवरों की बाकियात पिघला कर जल्दी से साबुन बनाया जाने लगा। दो रोज कबल असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने छापा मारकर फैक्ट्री को सील किया था। पाकिस्तान के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने वाले एक मरतबा फिर रुल गए। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के फर्स्ट डोज का रिकॉर्ड ऑनलाइन ही ना हो सका। डीजी खान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना एसओपीज की धज्जियां, वैक्सीन लगवाने के लिए धक्कम फेल, ओवरसीज पाकिस्तानियों को दुश्वारी। मैंने दो महीने पहले लगवाई थी, तो क्या कहते हैं आप अभियान लेने हो, ये कहते हैं हो जाएगी तीन महीने बाद। महंगा पेट्रोल मिलने के बाद अब काश्तकारों के लिए खाद के नेख भी भर गए। मुल्तान में डीएपी खाद की बोरी 300 रुपए महंगी, कीमत 5700 से बढ़कर 6000 रुपए हो गई। खाद के रेट में इजाफे को शहरी और काश्तकारों ने मुस्तरद कर दिया। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म, पढ़ाई शुरू। जनूबी पंजाब भर में गर्मियों की छुट्टियों के बाद निजी और सरकारी स्कूल खुल गए, तलबा की 50% हाजिरी, तमाम स्कूल्स में यकसा निसाब पढ़ाया जाएगा। महकमा तालीम के एसओपीस पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म, बच्चे और असातिज़ा स्कूल खुलने पर खुश। मैं स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि अब स्कूल खुले रहें और पेपर्स का भी सिलसिला शुरू हो गया। मैं स्कूल आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं दोस्तों से मिला हूँ। बच्चों की पढ़ाई का आगाज शुरू हो चुका है, हम भी बहुत खुश हैं और बच्चे भी। हुकूमत को 3 साल हो गए, सराय की सुबह ना बन सका। कोट सुल्तान में सराय की आवाम का ढोल की थाप पर झूमर डालकर मुनफरद एहतजाज, मरकजी ईदगाह से पीर जुगी चौक कोट सुल्तान तक रैली निकाली गई। सराय की रहनुमा सफदर कलासा ने सराय की सुबह की तहरीक में तेजी के लिए लॉन्ग मार्च का इंडिया दे दिया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट इमारत की तामीर तारीखी लम्हा है, गरीब के लिए सेक्रेटेरिएट सूबे का दर्जा रखेगा। मुल्तान में मेंबर कौमी असेंबली अहमद हुसैन डेहर की गुफ्तगु, बोले 2023 तक सेक्रेटेरिएट की इमारत मुकम्मल हो जाएगी, जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज को भी हकूक दिलवाएंगे। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद का मुजफ्फरगढ़ का दौरा, डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन और असिस्टेंट कमिश्नर आबिदा फरीद ने इस्तकबाल किया। कमिश्नर ने कस्बा बसीरा में सालीन के मसाइल सुने और रेवेन्यू के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत दी। सरगोधा में मुताबिक एसएचओस के तबादले, इंस्पेक्टर अख्तर नवाज थाना भलवाल सदर, इंस्पेक्टर अरशद गोंदल थाना कोट मोमिन तैनात, सब इंस्पेक्टर इलियास कलियार को थाना तरखान वाला और सब इंस्पेक्टर आरिफ चीमा को थाना झावरिया लगा दिया गया। सब इंस्पेक्टर नासिर शाह थाना सदर सरगोधा और सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद थाना भलवाल सिटी तैनात, डीपीओ जुल्फिकार अहमद के अफसरान को फौरी चार्ज संभालने के अहकाम। मुल्तान में जश्न आजादी की तैयारियों का आगाज, शाहीन मार्केट सब्जे लाली परचमों से सज गई। 14 अगस्त को मिली जोश जज्बे के साथ मनाने के लिए छोटे बड़े सभी बाजारों में खरीदारी में मसरूफ, पाकिस्तानी झंडों समेत मुख्तलिफ बैजीज, टोपियां, शर्ट्स और दीगर लिबास की फरोख्त जारी। और मुल्तान और बहावलपुर में मौसम जज्बी तौर पर अबर आलूद, डीजी खान ने गर्मी और हब्स बरकरार रहेगा, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बहावलपुर में आज बारिश की नवीद सुना दी।